अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बना रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशल सा हलवा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें मैं 2 से 3 कप जो है ना पानी का इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने शीरा सा बना लेना है इसका, और शीरा बना के हम लोग इसको साइड पे कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनने जा रहा है, बच्चों का फेवरेट है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा तो शीरा हमने साइड पे रख लिया है पका के। इसके बाद हम लोग एक कढ़ाई लेंगे, इसमें मैंने 1 कप सूजी का इस्तेमाल किया है। मैं मेयरिंग के लिए 1 ही कप इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग भी 1 ही कप को मेयरिंग के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा तो सूजी हल्की सी फ्राई कर लेंगे और इसके बाद जो है ना हम लोग इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ऑयलिंग के लिए भी मैं वही वाला 1 कप जो मैंने पहले मेयरिंग के लिए यूज़ करी थी, इतना ही 1 कप मैंने घी इस्तेमाल करना है इसमें। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिंपल घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डाल के हम लोगों ने इसको अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सूजी को फ्राई नहीं करना, वरना इसका कलर डार्क हो जाएगा और इसका टेस्ट एक जला सा फील होगा। उसके बाद इसमें जो है ना हम लोग शीरा डाल देंगे। घी को हमने पहले ना अच्छे से भून लेना, उसके बाद हम लोग इसमें शीरा डालेंगे, ठीक है। याद रहे कि हमने बहुत ही लो मीडियम फ्लेम पे बनाना है, फ्लेम हाई नहीं करना है। अब इसमें शीरा डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें मज़ेदार सा हलवा रेडी हो चुका हुआ है। हम हार्ड नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसमें जो है ना एक थिकनेस सी आ जाएगी। बादाम पिस्ते और मेवा जो भी आपका दिल करे आप इसमें डाल के इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें कोकोनट डाल रही हूँ, और मेवा जो है ना वो मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरे घर के बच्चे हैं वो नहीं खाएंगे। तो बादाम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। अच्छा तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही मज़ेदार सा हलवा तैयार हुआ है, मैं तो इसको खाने जा रही हूँ। मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।